जबलपुर के बरगी पुलिस ने गांजे की बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर सेंट्रो कार के दरवाजों, सीट के नीचे तथा डिक्की में टीन की पैटी के अंदर एक डिक्की के दोनों तरफ साइड में पन्नियों में भरकर छिपा कर लाया जा रहा था गांजा, 80 किलो गांजा जिसकी कीमत 15 लाख रुपए मई कार के जब्त किया गया है। दरअसल बरगी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सिल्वर रंग की बिना नंबर की सेंट्रो कार जो कि सिवनी की ओर से आ रही है, कार के दरवाजों के पैनल में भरकर भारी मात्रा में बिक्री हेतु गांजा ले जाया जा रहा है। यदि तुरंत दबिश दी गई तो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। सूचना पर NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल योजनाबद्ध तरीके से ग्राम हुलकी स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास घेराबंदी की गई और मुखबिर के बताए अनुसार आ रही कार को रुकने का इशारा किया गया। कार चालक कार को न रोककर तेजी से चलाते हुए यात्री प्रतीक्षालय की दीवार के किनारे टक्कर मारते हुए कार को छोड़कर कार से उतरकर भाग गया और कार को चेक किया गया तो कार के ड्राइवर एवं कंडक्टर के पीछे वाले दरवाजों में तथा पिछले सीट के नीचे डिक्की में दाएं और बाएं अंदर साइड तथा डिक्की के अंदर रखी एक काली टीन की पेटी में 54 पॉलिथीन जिसमें गांजा भरा हुआ था रखी हुई मिली है, जो कि तोल करने पर 80 किलो 900 ग्राम गांजा कीमत 15 लाख रुपए का होना पाया गया है। गांजे में परिवहन में प्रयुक्त सेंट्रो कार को जब्त करते हुए फरार अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 820 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी की सरगर्मी से तलाश पतासाजी की जा रही है। थाना बरगी पुलिस को आज दिनांक 2/11/2021 को सूचना मिली कि एक सिल्वर कलर की हुंडई सेंट्रो कार जो कि सिवनी की ओर से आ रही है में एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में गांजा लेकर आ रहा है, जिस हेतु ग्राम हुलकी के पास पुलिस स्टाफ के द्वारा घेराबंदी की गई, जो आरोपी वाहन चालक पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर अपनी गाड़ी को तेजी से चलाते हुए लेकर के गया, जिस पर नियंत्रण खोने के कारण गाड़ी को डिवाइडर से टकरा दिया और गाड़ी को छोड़ करके घने जंगलों में भाग गया, जिसको तलाश किया गया किंतु उसका पता नहीं चला गया। गाड़ी की तलाश लेने पर गाड़ी में विभिन्न स्थानों गेट, डिक्की, बोनट आदि स्थानों पर 80 किलोग्राम 900 ग्राम गांजा मिला, जो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट का मुकदमा कायम कर आरोपी की तलाश पर तरशी जारी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।